हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे लेटर पोर्ट्रेट इमेज आप फोटोशॉप को यूज़ करके किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरह से आप किसी भी लेटर के अंदर आसानी से इमेज को फिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने फोटोशॉप में आने के बाद आपने यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर देना है और टेक्स्ट का कलर यहाँ से आपने ब्लैक करके ओके कर देना है। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ लेटर और टी, और उसके बाद इस लेटर को मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ और कीबोर्ड से अपने कंट्रोल ए प्रेस करके इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। कीबोर्ड से फिर से अपने कंट्रोल डी करके डिसलेक्शन के लिए अब मैं इमेज लेके आता हूँ। ये इमेज को मैं सिंपली ड्रैग कर देता हूँ लेटर के ऊपर और इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी में यहाँ से कम करके आसानी से इसको एडजस्ट कर देता हूँ मैं। ओके जी, यहाँ पर मैंने टैग लेटर के अंदर जो है ना इमेज को एडजस्ट कर दिया। इसकी ओपेसिटी मैं फुल कर देता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी सिलेक्शन लूँगा इस इमेज की। तो उसके लिए यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और इस इमेज की मैं यहाँ से सिलेक्शन ले लूँगा। उसके बाद इस पर मैं मास्क अप्लाई कर देता हूँ। मास्क अप्लाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, कीबोर्ड से अपने कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और यहाँ से टेक्स्ट की जो लेयर है आपने इसके थंबनेल पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इसके पिक्सल सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई को प्रेस कर देना है और आपने यहाँ से इरेजर टूल को सिलेक्ट कर देख के इसका फोरग्राउंड कलर आपने वाइट करना है और इसका जो पार्ट आप रिमूव करना चाहते हैं वो इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इतना मैंने किया। अब मैं क्या करूँगा, इसका ये वाला इमेज का पार्ट भी रिमूव करूँगा। तो उसके लिए मैं पहले कीबोर्ड से कंट्रोल डी सिलेक्शन के लिए और इस इमेज पे रहते हुए इस इमेज के थंबनेल पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से ब्रश टूल में लूँगा और इसका कलर मैं फॉरग्राउंड वाइट करके ब्लैक करके और इसको मैं रिमूव करूँगा यहाँ से ईजिली। अब इसको मैं प्रॉपर कट करने के लिए यहाँ से पॉलीगन टूल लूँगा और यहाँ से इसकी मैं सिलेक्शन बना के यहाँ तक और यहाँ पर छोड़ के यहाँ से कीबोर्ड से मैं डी प्रेस करूँगा की। तो यहाँ पर देखें पूरा इमेज को कट कर दिया है। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी करूँगा डी सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज को जो है ना पूरा मैंने लेटर के अंदर फिट कर दिया। उसके बाद इसे लेटर की लेयर पे क्लिक करके और इसको मैं ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। ओके 40 साइज इसकी मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से। ओके ओपेसिटी को भी हल्का बढ़ा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड जो है ना उस पर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करने वाला हूँ। इफेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले और यहाँ से मैं ग्रेडियंट को चेंज करूँगा। यहाँ से इमेज से ही मैं कलर पिक करूँगा। ओके किया और दूसरी साइड का भी कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, डार्क कर ले लेता हूँ। ओके कर दिया और यहाँ से ओके और फिर से ग्रेडियंट में जाऊँगा और इसका मैं यहाँ से स्टाइल रेडियल कर देता हूँ। ओके और इसको मैं हल्का सा यहाँ से इसका स्केल में बड़ा कर देता हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं वाइट कलर। ओके किया मैंने, ओके किया यहाँ से भी ओके किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि आप किसी भी लेटर में कोई भी इमेज को फिट कर सकते हैं और उस इमेज को आप अच्छा क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप को यूज़ करके। और अगर फोटोशॉप से रिलेटेड आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।